अस्सलामुअलैकुम, मैं फरूक आजम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यकीनन आप अब आप खैरियत से होंगे। एक नई अपडेट के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की जो अपडेट मिलाया है वो है फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर के हवाले से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बराबर पहुँचती रहें। वीडियो शुरू करते हैं। कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 स्टार्ट हो चुका है। उन मैचों में से एक मैच के दौरान हमने दिल को छू लेने वाले मनाजर देखे। वो मनाजर मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ कि वो कौन से मनाजर थे। मनाजर इस तरह थे कि एक मैच जारी था, उसके दौरान एक नमाज का टाइम हुआ और मैं जो ग्राउंड है ना उसके चारों तरफ में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हुई। और जो उस वक्त मैच के दौरान रेफरी थे या अंपायर वगैरह थे उन्होंने मैच को रुकवाया और मैच ग्राउंड क्योंकि उधर लाखों का इजतमा होता है। हालांकि हमने ऐसा मंजर या ऐसे चीज़ें चाहे दूसरी जितनी भी गेम है हमने नहीं देखा कि मैच के दौरान मैच को रोका जाए और क्राउड को भी कहा जाए और जो प्लेयर वगैरह उनको भी कहा जाए कि आप आएँ ग्राउंड के अंदर नमाज अदा करें। तो हमने ये पहली बार देखा है जो कतर में फीफा वर्ल्ड कप के दौरान एक मैच के दौरान जब नमाज का टाइम हुआ और जो ग्राउंड था उसके चारों तरफ में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हुई और उस वक़्त के जो रेफरी थे या अंपायर थे उसने मैच रुकवा लिया और वहाँ बाजमात नमाज अदा की गई। और उसके जो खूबसूरत मनाजर थे मैं आपके दिखा रहा हूँ। बहरहाल आप ये वीडियो देखें। ना आपको ये दिल को छू लेने वाले मनाजर बहुत अच्छे लगे होंगे तो दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं ऐसी अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मजीद जो अपडेट हैं वो बर वक्त आपको मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।